अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैंने मिल्क पाउडर से बनाई हुई है और ये बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो चलिए देखते हैं हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मिल्क पाउडर लेंगे हम 1 कप, चीनी लेंगे हम 1/3 कप, बेकिंग सोडा लेंगे हम 1/4 टीस्पून, मैदा लेंगे हम 2 टीस्पून, सूजी लेंगे हम 1 टीस्पून और 2 सब्ज़ी इलायची लेंगे हम, घी लेंगे हम 1 टीस्पून और यहाँ पर मैंने आधा नींबू लिया है और थोड़ा सा दूध चाहिए हमें गुलाब जामुन के मिक्सचर को गूंदने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें गुलाब जामुन बनाने के लिए। तो चलिए फिर हम आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गुलाब जामुन की चाशनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चीनी बर्तन में डाल दी है और अब इसके साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी इसमें ऐड किया है और ये इलायची भी हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें साबित इलायची ऐड कर रही हूँ। देखिए, इसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, तो इसे हम ऐड कर देते हैं। तो इस चाशनी को हम पकने देते हैं, तब तक हम अपने गुलाब जामुन रेडी कर लेंगे। गुलाब जामुन बनाने के लिए एक बर्तन में हम ये मिल्क पाउडर ले लेंगे और फिर हम इसमें ये मैदा ऐड करेंगे। सूजी को भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और ये बेकिंग सोडा भी हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देसी घी भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पहले हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों से। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये दूध ऐड करेंगे और इसे हम गूंद लेंगे। याद रहे हमें दूध को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। अगर आप डायरेक्टली इसमें एक साथ दूध ऐड कर देंगे तो आपका जो बैटर है वो पतला भी हो सकता है, तो इसीलिए आप दूध थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करें। तो देखिए, अब ये अच्छी तरह से गूंद चुका है, तो हम इसको रख देते हैं साइड में और हमारी जो चाशनी है उसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, हमारी जो चाशनी है वो बॉयल हो रही है, तो नींबू के कुछ ड्रॉप हम इसमें ऐड कर देंगे। चाशनी में नींबू का रस ऐड करने का रीज़न ये होता है कि इसमें जो शक्कर की गंदगी होती है वो ऊपर तैर कर आ जाती है साइड में, और दूसरा ये कि चाशनी में हल्का सा खट्टा फ्लेवर आ जाता है नींबू का, जिससे हमारी चाशनी जो है वो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। गुलाब जामुन के लिए चाशनी हमें 1 तार वाली या 2 तार वाली बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इसे हमें पतला ही रखना होता है। बस ये थोड़ी सी स्टिकी होनी चाहिए। जब हम इसे उंगलियों से चेक करेंगे तो इसमें हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए। तो ये जो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो मैं अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और हम इसकी लीड बंद करके रखेंगे ताकि ये जो चाशनी है वो ठंडी ना हो सके। तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम गुलाब जामुन के छोटे छोटे बॉल बनाएंगे और इसमें साइड में रखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम हथेलियों पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेंगे और फिर गुलाब जामुन का थोड़ा सा बैटर उठाकर हाथों पर इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। देखिए इस तरह से। याद रहे, ये जो गुलाब जामुन के बॉल है इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर इसमें क्रैक्स होंगे तो आपके गुलाब जामुन जो है वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो एक गुलाब जामुन हमारा रेडी हो चुका है, इसी तरह से हम दूसरा भी बना लेते हैं। गुलाब जामुन की जो साइज़ है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो देखिए, हमारा दूसरा बॉल भी तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम सारे गुलाब जामुन के बॉल बनाकर रख लेंगे साइड में। तो इतने बैटर में मेरे 18 गुलाब जामुन बनकर रेडी हो चुके हैं। आपके कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये इसकी साइज़ पे डिपेंड करता है। तो ये गुलाब जामुन रेडी हो चुके हैं, अब बारी है इसे फ्राई करने की। आप इसे ऑयल या फिर घी में फ्राई कर सकते हैं। बस याद रहे कि ये जो आपने ऑयल या घी लिया है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा गर्म होगा तो ये ऊपर से तो जल्दी फ्राई हो जाएंगे, इसका बढ़िया सा ब्राउन कलर आ जाएगा, लेकिन ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और गुलाब जामुन जो है इस रीज़न से भी हार्ड हो जाते हैं, ये सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। तो इसीलिए हम इसे बिल्कुल हल्की आँच में फ्राई करेंगे ताकि ऊपर से इसका बढ़िया सा कलर आ जाए ब्राउन और ये अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो देखिए, अब ये जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, इसमें बढ़िया सा कलर आ चुका है ब्राउन कलर। तो हम इसे डायरेक्टली चाशनी में डालेंगे और याद रहे हमारी जो चाशनी है वो गर्म होनी चाहिए। चाशनी अगर गर्म होगी तभी गुलाब जामुन चाशनी को अच्छे से सोक कर पाएंगे और हमारे जो गुलाब जामुन है वो काफ़ी सॉफ्ट और जूसी बनेंगे।
अगर आपकी चाशनी ठंडी हो भी गई है तो आप इसे दोबारा से गर्म कर लें। जब यह हल्की सी गर्म हो जाएगी तब इसमें गुलाब जामुन ऐड कर दें। इसी तरह से हम बाकी के गुलाब जामुन भी फ्राई करेंगे। दूसरी बार जब हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे तो हमारा जो तेल है वो काफ़ी गर्म हो चुका होगा, तो इसीलिए हम गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। और जब तेल जो है वो हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और फिर इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे सारे गुलाब जामुन फ्राई हो चुके हैं, तो हम इसे भी चाशनी में ऐड कर देते हैं। तो गुलाब जामुन चाशनी में ऐड करने के बाद इसे हम रख देंगे 2 घंटे के लिए साइड में, ताकि जो गुलाब जामुन है वो चाशनी को अच्छे से सोक कर लें। तो 2 घंटे बाद देखिए जो गुलाब जामुन है वो काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो देखिए मैंने ये गुलाब जामुन को प्रेस कर रही हूँ और ये फिर से अपने राउंड शेप में आ रहा है। ये जो गुलाब जामुन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और देखिए इसके अंदर का टेक्सचर कितना जूसी है। ये जो गुलाब जामुन है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बने हैं। तो अगर आपको मेरी ये गुलाब जामुन की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फरहीन को दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।